200 ग्राम पनीर लिया है, 1 अनियन, कुछ कैश्यू, कुछ ग्रीन चिली और हरा धनिया, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 बाउल कर्ड फ्रेश क्रीम, बटर फ्राई करने के लिए 1 तेज़पत्ता, छोटी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 ग्रीन चिली और 4-5 लौंग। सबसे पहले हम लोग इसको पीस लेते हैं। अगर आप कैश्यू यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह आलमंड भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता यूज़ कर सकते हैं और या फिर मूंगफली के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पीसने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट मिला देंगे। ज़ीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और नमक भी इसमें डाल देंगे। कर्ड ऐड कर दीजिए इसमें। क्रीम फ्रेश होनी चाहिए। पनीर को इसमें डालकर 1/2 घंटे तक हम लोग इसको मैरिनेट करके रखेंगे, जिससे सारा मसाले का फ्लेवर इसमें एब्जॉर्ब कर जाए। उसके बाद फिर पैन में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा बटर डाल देंगे। पनीर हमारी अच्छे से सेक चुकी है, अब हम मसाला फ्राई करेंगे। इसी पैन में मैं थोड़ा बटर ऐड करूंगी। फ्राई करने के लिए जो मसाला निकाल के रखा था, दालचीनी, तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग, 1 ग्रीन चिली कटी हुई, इसको डाल दूंगी। अब ये सारा जिसमें मैंने मैरिनेट करके रखा था पनीर को, ये सब बचा हुआ अब मैं इसी से ग्रेवी बनाऊंगी। मेरी ग्रेवी इसी से रेडी होगी। अब पनीर को इसमें मिला देंगे।
हमारी रेडी हो रही है, रेडी हो ही चुकी है। एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अगर आपको अपनी ग्रेवी ठीक लगती है तो उसमें थोड़ा वाटर या थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे दूध ऐड करूँगी। गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। पनीर मेरी रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अफगानी पनीर मेरी रेडी हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।